महामारी के दौरान किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है तो किसी को कम। कुछ महिलाओं को मासिक धर्म में आने पर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। मासिक धर्म के दौरान निचले पैल्विक हिस्से में दर्द महसूस होता है। यह दर्द जांघों, पैरों, पीठ, कभी कभी सीने में भी हो सकता है। अधिकतर पहली बार महावारी होने पर लड़कियों को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। हालांकि महिलाओं को महावारी के दौरान कितना दर्द होता है यह उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। मासिक धर्म में होने वाले दर्द दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया यह पेट के निचले हिस्से में होने वाला दर्द है जो मासिक धर्म के पहले या उस समय होता है। इसका किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी से कोई संबंध नहीं है। सामान्यतः यह दर्द पहली बार मासिक धर्म शुरू होने के 6 महीने या साल भर के अंदर शुरू हो जाता है। इस प्रकार के दर्द महावारी में दर्द शुरुआत में होता है और 2 से 3 दिनों में बंद हो जाता है। इस दौरान पेट के निचले हिस्से और जांघें और पीठों में दर्द का अनुभव होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इस प्रकार के मासिक धर्म के दर्द आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे गर्भाशय में फाइब्रॉइड, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ऐसा दर्द मासिक चक्र के बीच में शुरू होता है और पीरियड्स होने के 1 हफ्ते पहले यह दर्द बढ़ जाता है। कभी कभी इसकी वजह से कब्ज की भी शिकायत रहती है। तो अगर आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सामान्य है। पर अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लेनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि मासिक धर्म में होने वाले दर्द का आप किस तरह से उपचार कर सकते हैं। खाने में आयरन की मात्रा बढ़ाएं। ऐसा करने के लिए पालक या केला खा सकते हैं। खाने में फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ाएं। ऐसा करने के लिए किसी भी प्रकार की दाल, हरी सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, संतरे खा सकते हैं। खाने में नमक की मात्रा कम करने से मासिक धर्म में दर्द कम हो सकता है। हल्का व्यायाम जरूर करें, जैसे कि पैदल चलना, ऐसा निरंतर करते रहे। गर्म पानी की बोतल या किसी भी और माध्यम से सिंचाई करें। गर्म पानी से नहाने से भी आराम मिलता है। पीरियड्स में दर्द होने के कुछ आम कारण। अगर आपको मासिक धर्म में अंडे ना बने तो आमतौर पर दर्द नहीं होता। अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंडाशय में अंडे बनकर निकल रहे हैं। आमतौर में प्रेगनेंसी के बाद मासिक धर्म में दर्द कम होता है। अगर आपका खान पान ठीक ना हो तो दर्द ज़्यादा होता है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते तो दर्द ज़्यादा होता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।